हेलो दोस्तों, यार मोबाइल रिपेयरिंग चैनल पर आप सभी लोग को फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों, खासकर सब लोग को काम आ जाएगी। दोस्तों वीडियो का थंबनेल पर देख के पता चल गया होगा किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेके आया हूँ आज मैं। दोस्तों अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग या तो फ्लैश कर रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो कभी कभी बहुत लोगों ना इस तरह प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा वीडियो के नीचे कमेंट कर रहा है बहुत लोगों ने, तो प्रॉब्लम हो रहा है मोबाइल कंप्यूटर पर कनेक्ट नहीं हो रहा है, फ्लैशिंग करने जिस टाइम जा रहा है मोबाइल कनेक्ट नहीं हो रहा है, फ्लैशिंग नहीं हो रहा है, अनलॉक नहीं हो रहा है, इस तरह बहुत लोगों ने कमेंट किया है। बहुत लोगों का इस तरह प्रॉब्लम हो रहा है। तो मोबाइल कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले ड्राइवर का ज़रूरत है, और इस ड्राइवर कहाँ मिलेगा और किस तरह डाउनलोड करना होगा और किस ड्राइवर डाउनलोड करने से आपका कंप्यूटर पर 100% आपका मोबाइल कंप्यूटर पर कनेक्ट होगा, फ्लैशिंग होगा, दोस्तों मैं इस वीडियो में आज सब कुछ दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों ये सब कैसे और किस तरह देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और वीडियो पूरे लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोग को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल के लिए नया आया है तो इस लाल रंग का बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो घंटा है इसे भी दबा देना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द और सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों सबसे पहले क्या करना होगा, तो आपका पास एक EMT डेंगल होना ज़रूरी है। EMT डेंगल नहीं है तो EMT डेंगल एक ख़रीद कर लीजिए, और EMT डेंगल अगर आपका पास है तो ये EMT डेंगल का जो सपोर्टर है वो इंस्टॉल कर लीजिए। इस सपोर्टर आपका पास इंस्टॉल नहीं है तो मेरा वीडियो का नीचे लिंक मिल जाएगा, इस लिंक से आप ये सपोर्टर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। करने के बाद इस सपोर्टर को ओपन कर लीजिए आपका EMT डेंगल कनेक्ट करके PC पर, और आपका जो इंटरनेट है वो आपका कंप्यूटर पर कनेक्ट करना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे जितनी सारी कुछ दिखाई दे रहा है EMT डेंगल का, ये सब कुछ पता होगा अगर आप पहले से EMT डेंगल चला रहा है तो मैं भी फिर से एक बार दिखा रहा हूँ आपका EMT डेंगल से ये जो इंस्टॉल्स दिखाई दे रहा है, जितनी सारी टूल होगा EMT का, किसी फायर का टूल होगा, अल्टीमेट FRP का, MTK का, सैमसंग का, हवाइया का, जितनी सारी सेटअप है यहाँ से डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ज़्यादा MB का कोई सेटअप नहीं है। उसके बाद मैं जिसका बारे में बता रहा हूँ वो एक ड्राइवर का बारे में बता रहा हूँ। तो ड्राइवर सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है ड्राइवर सबसे ऊपर मैं रख दिया। किसी गाड़ी चलाने से सबसे पहले ड्राइवर का ज़रूरत है, इसलिए मोबाइल फ्लैशिंग करने से सबसे पहले ड्राइवर इंस्टॉल रखना आपका कंप्यूटर या PC पर ज़रूरत है। तो इस ड्राइवर को डाउनलोड कर लीजिए, इसका ऊपर करना है क्लिक करने का बाद यहाँ पे जितनी सारी मॉडल दिखाई दे रहा है, जितनी सारी ब्रांड का मोबाइल है, इतनी सारी ड्राइवर या इस सपोर्टर का अंदर दिया हुआ है। आप सिर्फ क्या करना है, आपका कंप्यूटर पर इंटरनेट कनेक्ट रखना है और एक एक करके डाउनलोड करते रहना है। डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल भी कर लीजिए। तो मैं किसी एक ड्राइवर डाउनलोड करके देखा रहा हूँ, मैं ये जो SPD का एक देखा रहा हूँ, SPD का ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है लोगों का। तो SPD का यहाँ पे दो ड्राइवर दिया हुआ है, एक नॉर्मल ड्राइवर है और एक फ्लैशिंग का बॉक्स का ड्राइवर है। तो मैं दोनों डाउनलोड करके देखा रहा हूँ। तो इसका ऊपर करना है क्लिक करने के बाद ओके पर करना है क्लिक। तो उसका पहले मैं पहले से डाउनलोड कर लिया, तो मैं डिलीट करके अभी फिर डाउनलोड करके देखा रहा हूँ किस तरह डाउनलोड करना है। उसके बाद क्या करना होगा आपको, ये जो स्टार्ट दिखाई दे रहा है स्टार्ट पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपका जो ड्राइवर है इस तरह 100 तक होने का बाद ये लोकेशन पर क्लिक कर देना होगा। लोकेशन पर क्लिक करने का बाद आपका जो ड्राइवर होगा और देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये देख लीजिए इस तरह देखने को मिलेगा। और जिप रहता है, जिप फाइल है, इसको अनजिप कर लेना है। अनजिप करने का बाद इसका अंदर इस तरह देखने को मिलेगा, ये देख लीजिए 32 बिट का है, 64 बिट का है, आपका कंप्यूटर सिस्टम बिट जो है वो इस तरह देख सकते हो। देख के आप डाउनलोड करके इस तरह इंस्टॉल कर सकते हो। तो इस तरह देखने को मिलेगा, ये देख लीजिए सब कुछ दिया हुआ है, SPD का जितनी सारी ड्राइवर है, इतनी सारी ड्राइवर, फ्लैशिंग ड्राइवर इसका अंदर दिया हुआ है। तो इस तरह आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद आप फिर भी जितनी सारी दिखाई दे रहा है इतनी, ये जो नॉर्मल ड्राइवर है SPD का, इसका अंदर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद स्टार्ट बटन पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेना है।
इस तरह 0% दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 100% होने का बाद आपका जो ड्राइवर होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो लोकेशन दिखाई दे रहा है, इस लोकेशन का अंदर सब इस तरह एक जगह पर आ जाएगा। तो इस तरह जिप रहता है वो, इसको करना है। अनजिप करने का बाद देख सकते हो, इस तरह देखने को मिलेगा, आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह जो मोबाइल का फ्लैशिंग ड्राइवर है वो डाउनलोड कर सकते हो, और यूएमटी डैंगल का जो जितनी सारी टूल है सेटअप है वो इस तरह डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों मेरा वीडियो देख के थोड़ा सा भी अच्छा लगे सब लोगों को तो मेरा चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर कर लीजिए एक लाइक, क्योंकि मैं सब दिन इस तरह वीडियो लेता रहूँगा और आप सब लोग को मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो आज के लिए इतना तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।